इनकी प्रोसेस ये कि इसमें इसके पास ऑलरेडी अलेक्स 100 है, ओके, इसके मम्मी पापा की सेविंग ऑलरेडी इसमें मॉडिफिकेशन में लगा दिया। अब ही हैज नथिंग टू लूज इन लाइफ। अब अगर मेरे साथ उसका झगड़ा होगा, मुझे पीछे से आके ठोकेगा मेरी बाइक को, मेरे साथ झगड़ा होगा, हमारे साथ हाथापाई होगी, तो इसके साथ बुरा कुछ नहीं हो रहा है, उल्टा इसकी इज्जत बढ़ रही है, इसकी एरिया में इसके फ्लेक्स लगेंगे कि भाऊ की जगह सबसे अलग। मैं क्या होता ना, मैं पंगे नहीं लेता इनसे, पंगे नहीं लेता, बट क्या होता ना, इसके वजह से ट्रैफिक के बहुत प्रॉब्लम्स हो जाते हैं ना, पुणे में बहुत ट्रैफिक के प्रॉब्लम्स हो जाते हैं इसकी वजह से। और हमारे यहाँ पे पुणे में जब ऑब्वियसली रोड पे ट्रैफिक हो जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, फुटपाथ पे गाड़ी चढ़ा देते हैं, है ना, क्योंकि उतने तो सलमान के फैन है हम लोग। और ना यहाँ का सरकार खुद हमारा ये बिहेवियर इनकरेज कर रहा है, क्योंकि आप पुणे के अगर फुटपाथ ऑब्जर्व करोगे ना, तो उसमें ऐसा स्मूथ ट्रांजिशन है। It's like a message they are sending to us that these footpaths are not for pedestrians, they are just emergency exits for bikes, foot and traffic jams. So हर footpath में उनके पास smooth transition है, तो लोग ना उसपे bike आराम से चढ़ा देते हैं, but उनकी फटती तब है जब गाड़ी उतारने का time आता है, क्योंकि इनके सिर्फ कपड़े और attitude super bike वाला है, नीचे अभी भी बाप का Activa चला रहे हो। तो आप देखो क्या होता है ना, मोस्टली ऐसे वो धीरे धीरे ना वो फुटपाथ के एज तक लेके आते हैं बाइक, और जब फाइनली आगे का पहिया फुटपाथ से रोड पे गिरता है ना, तो आगे का जो पहिया ना उसके शॉक ऑब्जर्वर में से गाड़ी की आवाज आने लगती है कि अच्छा चलता हो दुआओं में याद रखना, और मेरे जिक्र का जुबा पे स्वाद रखना। बट मेरे साथ कभी हुआ नहीं है, मेरे साथ ये कभी हुआ नहीं है, बिकॉज आई यूज्ड टू ड्राइव 100cc बाइक, मैं 100cc बाइक चलाता था। ऐसे कपड़े लेके जज मत करो, वो टीवी शोज का नाम सुनकर जज मत करो, आपको जो दिख रहा है वो एंड्रॉइड का, वो सिर्फ आईफोन का कवर है, अंदर पूरा एंड्रॉइड है। तो मैं 100cc बाइक चलाता था, मैंने पता नहीं यहाँ पे सारे मैन्युफैक्चरर बैठे हैं, मैं आप लोगों से सवाल पूछ रहा था कि आपको इस 100cc वालों से प्रॉब्लम क्या है यार, ये 100cc वालों के साथ शॉक एब्जॉर्बर की प्रॉब्लम आते नहीं है, बिकॉज 100cc बाइक्स शॉक एब्जॉर्बर इज नॉट अ स्पेयर पार्ट, इट इज एक्सेसरी, है ना, आपको सिर्फ टॉप एंड मॉडल में दे रहे उसको। आई यूज्ड टू ड्राइव दिस बाइक सर, व्हिच इज कॉल्ड बजाज डिस्कवर, आपको पता है बजाज डिस्कवर, पता है आपको सर, डू यू लाइक दैट बाइक? तो 100cc बाइक था मेरा बजाज डिस्कवर, एंड 100cc बाइक में कोई यूजफुल फीचर नहीं, सिर्फ एक यूजफुल फीचर है साइड मिरर, क्योंकि वो आपको दिखाते कि कौन ओवरटेक करके जा रहा है। और ये बार बार हो रहा है, मतलब मेरे साथ तो हमेशा होता था, सो आई गॉट यूज्ड टू इट। और मेरी 100cc बाइक की लाइक बजाज जिसको मैंने पता है उसका टॉप स्पीड पता कितना था, 60 स्लोप पे। तो भाई इनमें स्पीडोमीटर दिया था 140 का, तो मैं जब बाइक लेने गया था, मैंने वहां पे सेल्समैन को पूछा कि भाई ये साथ तक लगा है 140 के डॉलर्स में, तो स्पीडोमीटर पे 140 क्यों लिखा? तो मैंने बोला सर इससे ना बाइक का सेक्स अपील बढ़ता है। नहीं भाई तुम्हारे कस्टमर कर दिया है बाइक के साथ एग्जैक्टली। तो बाद में तो मैंने बहुत दिन चलाई ना, तो मैं यूज तो हो गया 100cc बाइक के साथ, आई कंप्लीटली मेड पीस विद इट, आई कंप्लीटली गॉट यूज टू द वे इट शुड बी रिडन। तो मैं क्या करता था ना, मैं स्लोप पे भी जा रहा था ना, मैं एक्सेलरेटर नहीं देता था, मैं न्यूट्रल कर देता था, बिकॉज ग्रेविटी हैज मोर एक्सेलरेशन देन 100cc इंजन। बट पूरा वेस्ट नहीं है यार, पूरा वेस्ट नहीं है, 100cc बाइक के कुछ एडवांटेजेस भी है। कोई बता सकता है मैं बोल रहा था एडवांटेजेस ऑफ 100cc बाइक के, एनीबॉडी टेल मी? माइलेज है ना, बहुत ज्यादा माइलेज था मेरी बाइक का भी। तो मैं कभी कभी बाइक लेके निकलता था, आधा घंटा बाइक चलाता था, फ्यूल का कांटा एम्प्टी से फुल की तरफ जाने लगता था। और भी एडवांटेजेस यार, देयर आर एडवांटेजेस टू हैविंग अ चीप लुकिंग बाइक, आपको रोड पे कोई लिफ्ट नहीं मांगेगा ना, मैं से कभी पुलिस वालों ने रिश्वत नहीं मांगी, मेरे को बिना हेलमेट का पकड़ के वो लोग मेरे को 200 रुपए दे देते थे कि शायद तेरे घर वालों को ज्यादा जरूरत है। एंड और भी एडवांटेजेस है सस्ती बाइक की, मेरी चाबी खो जाती है मेरे को टेंशन नहीं आता, दोस्त का चाबी लगा है गाड़ी पर और वो उसके घर का चाबी था। होटल रूम्स होते हैं ना, उसमें एक की होती है जिससे सारे रूम्स ओपन होते हैं, उसको बोलते हैं मास्टर की। 100cc में आप मास्टर लॉक दे रहे हो, ये थोड़ा लाइट बंद कर सकते हैं ना, मेरे को ऐसा लग रहा है मैं चांदनी बार में घूम कर रहा हूँ। थोड़ा लाइट बंद कर सकते क्या भाई ये, प्लीज, बहुत अच्छा लगेगा मेरे को।
लग रहा है ना सर, याद तो नहीं आ गया ना आपको? अरे बंदी नहीं हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है, कुछ टेक्निकल ग्लिच है क्या? नहीं तो मैं साड़ी पहन के आ जाता हूँ। चलो ठीक है, आई होप दे सॉर्ट दिस आउट। बट ऐसे नहीं यार, मैं हमेशा बाइक नहीं चलाता हूँ, ठीक है? मुझे भी जैसे आगे लोग वीआईपी लोग बैठे हैं या फिर सुपर कार वाले भी लोग कुछ आए, तो मुझे भी यार आपके जैसे कभी कभी अमीर आदमी का फील लेना होता है, तो मैं ना फिर रिक्शा कर लेता हूँ, क्योंकि पुणे में दैट्स हाउ यू फील रिच। ओके, तो एक दिन मेरे को ऐसे ही जाना था एमजी रोड। एमजी रोड पता है लोगों को? पता है आपको तरीकों का फीनिक्स मॉल है ना, और बहुत कमाल की जगह है ना एमजी रोड। वहां पर ना जनरली मतलब औरतें अपने हस्बैंड को कार में पार्क करती है और वो शॉपिंग करने निकल जाते हैं। माय वाइफ आल्सो डज दैट, एंड इट्स द ओनली प्लेस इन पुणे और आई थिंक इन द एंटायर इंडिया वहां पर इट्स ओके टू पार्क लाइक 4 inches फ्रॉम द डिवाइडर, है ना? तो एमजी रोड जाना था मुझे, एंड इट्स अ वंडरफुल प्लेस। आपको भी जाओ वहां पर, तो 200 rupees पे हर ब्रांड का टी शर्ट मिल जाता है, पूमा नाइकी कभी कभी दोनों साथ में तो यहाँ पूमा यहाँ नाइकी, तो इनके सीईओ यहाँ पे आ गए तो कंफ्यूज हो जाएंगे, हम लोगों ने कब कोलैब किया? तो हमें जाना था एमजी रोड, मुझे जाना था एमजी रोड, तो मैंने डिसाइड किया कि ऑटो से जाएंगे। ओके, सो आई गॉट डाउन फ्रॉम माय हाउस, सोसाइटी के नीचे ऑटो खड़ा था, एंड मेरी आदत है और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप लोग भी ये करते जाओ। मैं जब भी ऑटो में बैठता हूँ उसके पहले ऑटो ड्राइवर को ऑब्जर्व करता हूँ। तो मैंने यहाँ पे देखा ये ऑटो का जो बंदा था ड्राइवर, इसके आगे के 4 बाल गोल्डन थे। तो मैं बोला भाई इसके साथ तो नहीं जा सकते, क्योंकि जो बालों के साथ इतना रिस्क ले रहा है वो जान के साथ थोड़ी सेफ खेलेगा। तो मैं डिसाइड किया कि नहीं भाई दूसरे वाले के पास जाते, उससे पीछे और एक बंदा उसके पास गया। मैंने उसको बोला भैया चलोगे? बोलता ही नहीं। मुझे नहीं बोला इस बात का बुरा नहीं लगा, बट पहले पूछ लेना चाहिए ना कहाँ जाना है। पुणे में जब इंसान गरीबी से बाहर निकलता ना तो सबसे पहले अपना बस का पास जला देता है, क्योंकि एक होता है नॉस्टैल्जिया और एक होता है ट्रॉमा। ओके, और मैं तो कातर में रहता था, मैंने जैसे मैंने कहा मैं कॉलेज में सर्विस हुई तो वहां पे बस पूरा भर के आता था, तो आपको ना बाहर सुनी जो स्टेयर्स होते वहां पे खड़े रहकर जाना पड़ता था, एंड दैट्स वेरी रिस्की। कभी भी कोई भी लाइट पोल आपको बोल सकते हैं कि सारी तो रुक जा बाकी बस जाने दे। तो मैंने डिसाइड करके कि जाएंगे यार बस से देखेंगे क्या चेंज हुआ है 6-7 साल में। तो देयर वाज अ लॉट ऑफ चेंज, यू नो, बस में चेंजेस काफी आ गए थे। एसी लग गया था बस में, बट डीजल बचाने के लिए वो उन्होंने बंद रखा था। प्लस जो इंडिया के बसेस है ना उसके जो खिड़की के कांच है मेरे को लगता है वो फिटिंग में नहीं रुकना चाहते, वो रणबीर कपूर बन चुके हैं, वो उठना चाहते हैं, दौड़ना चाहते हैं, गिरना चाहते हैं, बस रुकना नहीं चाहते। एट द सेम थिंग विद द बस ड्राइवर्स इन इंडिया यार, आई थिंक एवरी बस ड्राइवर इन इंडिया इज अ पार्ट टाइम फिजिक्स प्रोफेसर, क्योंकि वो हर 5 मिनट में ब्रेक दबाएगा और पीछे देख के बोलेगा गाइस दिस इज आवर इनर्शिया वर्क्स। सबको समझ आया ना, कोई साठे कोचिंग क्लास वाले नहीं ना। दिस इज ओनली रीजन व्हाई आई आल्सो नो दिस इज बिकॉज मैंने बीएससी फिजिक्स में किया हुआ, और जो सुन के कुछ लोगों को लगता है कि बहुत बढ़िया चीज है, बट ऐसा नहीं है। यहाँ पे है कोई बीएससी वाले प्लीज हाथ ऊपर मत करो, ठीक है? ये कोई प्राउडली बताने वाली बात नहीं है। वो 2 लोगों का पेट भर सकता है। हमारे फिजिक्स में क्या बीएससी कुछ लोग इंप्रेस हो जाते हैं, बट उनको पता नहीं बीएससी फिजिक्स इज नॉट अ डिग्री, इट्स अ स्कैम, है ना? क्योंकि 3 साल आप घर वालों को फंसा रहे कि मम्मी मैं ये टाइम पास के लिए कर रहा हूँ, मेरा असली है यूपीएससी, है ना? और बीएससी बीकॉम कर रहे हैं तो सब यूपीएससी कर रहे हैं, हमारे प्रिंसिपल का खुद का मेंस चल रहा था। तो मेरे को कुछ दोस्त हैं, मेरे को पास आउट होते 8-10 साल हो गए, अभी भी यूपीएससी कर रहे हैं। जैसे आई फील दे आर वेरी क्यूट, यू नो, इंडियन यूपीएससी एस्पिरेंट्स, बिकॉज़ दे आर अनएम्प्लॉयड एंड दे डोंट इवन नो इट। बट सी आई कांट मेक अ लॉट ऑफ जोक अबाउट मैं जब कॉलेज में था तब मैंने भी सपना देखा था मैं IAS बनूंगा।
फिर मैंने सिलेबस देखा, फिर अपना मार्क लिस्ट देखा और फिर दूसरा सपना देखा। And my parents got a little disappointed, yeah, with all the stuff that I used to do in college. Because my typical Punekar parents, yeah, Maharashtrians. And Maharashtrians, if I am a Maharashtrian, if I put up a chair, I will put up a mood to let them go. And my parents, please bring a chair, yes. Thank you so much. And our Maharashtrian ke problems thode alag hai na. Jaise dusre log hai India ke, unko English ke baare mein thoda inferiority complex hota, right? Because English is not our first language. But we Maharashtrians are different, okay? Humko na Hindi ke baare mein complex hai. क्योंकि हम जब हिंदी बात करने जाते हैं ना, उसमें आ जाता है मराठी एक्सेंट, है ना। हम हिंदी बात करें पर उसमें से मराठी लीक हो रहा है। और ना पहले सर मुझे दिक्कत नहीं थी, आने पहले मेरे को पहले बिल्कुल दिक्कत नहीं थी, मैं कॉलेज में था वहां पर भी सब मराठी लोग थे। बट आई जब स्टार्टेड वर्किंग इन एमएनसी, ओके, एंड वहां पे एमएनसी में बहुत सारे नॉर्थ इंडियन लोग, बहुत सारे पंजाबी थे। याद है कि पंजाबी सीनियर चेयर, यानी पंजाबी लैंग्वेज तुम तो चार लोगों में चेयर कर दोगे पूरे रूम तक। बस हर वर्ड के एंड में यो लगाना, करियो बैठियो सुनियो, दैट्स इट। सो आर्म्ड विद दिस नॉलेज आई वेंट टू अ पंजाबी फ्रेंड ऑफ माइन चरणजीत मानकर, उसके पास गया, मैंने उसको बोला करण चाय पीने चाहिए, वो कहता जाइयो नहीं होता है, मैं जाइयो नहीं होता चोमू, और चोमू तो मैं यहाँ पर चल, है ना, मतलब जाइयो नहीं होता चोमू, चलियो होता है। मैं कहा जो भी यार तू चाय पीने आ रहा है कि नहीं बता, ओके। तो ही आंसर इन टिपिकल पंजाबी फैशन, तो भाई चाय पी के आ गया। And I am Maharashtrian, I don't understand this way of talking. So I am like, bhai, tere ko nahi pina chahiye to mat pi yaar. But mere family members ko bhi role kar raha hai. But Amit sir, obviously this is a joke, yeah. This is a joke about our Punjabi talk. And aapke koi dost hai Punjabi? Aap kahan se vaise? Sorry? Chandigarh se, aap khud Chandigarh se ho yaar. Bhai, to Amit sir mera dost tha. Aur aapki pata hai, aapko पेक्यूलर तरीके होता है बात करने का। तो ये भी ना मेरे डेस्क पे आता था करण, ये इसके बारे में बता रहा हूँ, ये मेरे डेस्क पे आके मुझे बोलता था साहब यार तो सुबोध के बारे में जो भी बोल रहा है बंदा तो बंदा है। And I used to be like, bro, there is no information in this sentence. तो इसको पसंद नहीं आता था मैं, इसको पसंद नहीं आता था, मैं बोलता था तो क्या यार हम पंजाबी से हर बार मजाक करते हैं, तेरे को क्या लगता है तुम मराठी लोग बहुत कूल हो गया, तुम लोग जब बात करते हो मराठी में तो पता है कितना एग्रेसिव साउंड करते हो, तो मेरे को अच्छा नहीं लगा ये सेट पे। तो मराठी लोग एग्रेसिव नहीं है, बट मराठी एज अ लैंग्वेज थोड़ा डिफरेंट है दूसरे लैंग्वेज से, इट हैज अ लॉट ऑफ हार्ड कंसोनेंट्स, ओके, इसकी वजह से वो थोड़ा एग्रेसिव साउंड करता है। उसका पॉइंट तो काफी लॉजिकल है, बट अभी मैं पीछे नहीं हट सकता ना, अभी ईगो इन्वॉल्व हो गया। तो हम लाइक भाई इसकी कुछ एडवांटेजेस भी है, जैसे अगर आपको किसी को धमकी देनी है ना, किसी को धमकी देनी, किसी को डराना, तो मराठी इज द बेस्ट लैंग्वेज। आप मराठी में जाके किसी को जोर से बोलो ए पुत्र, वैसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है धमकी दे रहा है। वही किसी दूसरे लैंग्वेज में जैसे बंगाली में आप जाके बोलो पुत्रो, ऐसा लगेगा आप प्यार कर रहे हैं। आपको कोई बंगाली आदमी आके बोलेगा पुत्र, आप बोलोगे मैं हूं पुत्रो, मेरा फैमिली पुत्रो। See, but personally, I don't have a right to defend Marathi, no, even though I said a lot of jokes about it. I don't have a right to defend Marathi, because mera khud ka Marathi utna shuddh nahi hai, and from a Punekar, people expect them to have a very shuddh Marathi. Na sir, aap Punekar lag rahe ho, na, aap hans bhi rahe ho aap Punekar jokes pe. Aapko pata na, aap ho Pune se, born brought up? Haan, chalak raha hai Punekar this. तो ना पुणे का से बहुत एक्सपेक्टेशन है कि मराठी शुद्ध होना चाहिए इनका, बट जो लोग ये एक्सपेक्टेशन रखे ना उनको पता नहीं कि पुणे बहुत बड़ा है। And I come from this part of Pune called Katraj. Okay, और पुणे में ना आप देखो शुद्ध मराठी जो ना वो स्वर्ग के इधर से यू टर्न ले लेता है। क्योंकि उसके आगे टमटम में जगह नहीं है। And the problem is not that I have bad Marathi, but the problem is my father has good Marathi.
Because he grew up on Bajirao Road. है ना सेंट्रल पुणे सर आपको पता है इस मराठी शुद्ध पुणेरी एंड माय मराठी शुद्ध कात्रज सो द कॉन्वर्सेशन वाज सो ट्रेजिक में उस बिकॉज़ मेरे पापा मुझे प्यार से बोल रहे सही लगता है अपन जेवाला बसायचं ना और मैं बोल रहा हूं बता दे एंड आई हैड टिपिकल मराठी पेरेंट्स मैन एंड मराठी पेरेंट्स हमारे तो ना बहुत अच्छे होते बट उनके लाइफ में तीन ही सपने होते मराठी का मैं बोलता हूँ मिडिल क्लास पेरेंट्स होते ना उनके लाइफ में तीन ही सपने होते एक होता है सोना खरीदना दूसरा होता है घर खरीदना और तीसरा होता है इन दोनों पे लोन लेके बच्चे की शादी करना एंड आई वर्क इन कॉर्पोरेट यू नो हमें आप लोग सब कॉर्पोरेट में काम करते हो ऑल ऑफ यू आर वर्क इन कॉर्पोरेट गिव मी अ चेयर इफ यू वर्क इन लाइक अ कॉर्पोरेट सेटिंग सो दैट वी कैन डिसाइड व्हाट काइंड ऑफ कंटेंट टू जंप इनटू कॉर्पोरेट में कितने लोग काम करते हैं अच्छा मेजोरिटी को हाथ ऊपर कर दो चलो तुमको चिल्लाने में शर्म आ रही है तो थोड़ा दारू आना चाहिए इसके बाद शायद लड़की रहता है दोस्तों बट कॉर्पोरेट में काम करता था ना कॉर्पोरेट में काम करता था मैं भी आई वॉज एन एच आर इनफैक्ट घर है कोई एच आर नहीं आया ना अच्छा कुछ जगह तो होनी चाहिए जहां पर नहीं बुलाया गया ये तो हर जगह बहुत अच्छे चले बट मैं एच आर आया मैंने उनको ज्वाइन करा था कॉलेज के बाद एच आर और तब कॉलेज में तो पता नहीं था ना क्या क्या है ना मुझे लगता था एच आर बहुत दूर रहेगा बट जब दो साल काम करके पता चला दुनिया में दो तरह के एच आर होते हैं एक होते हैं जिनकी दुनिया में बहुत इज्जत होती है और दूसरा होता है रिक्रूटर और मैं रिक्रूटर था मैम आई वॉज अ रिक्रूटर और छोटी कंपनी थी 80-100 लोगों की कंपनी थी वहां पे तो एचआर कोई ऑफिस बॉय समझते हैं हाँ तो ऑफिस का सारा काम मुझे करना पड़ता था इनवॉइस बनाना लाइट बिल भरना एक किलो शुद्ध नमक लेके आना बट प्रमोट कर दिया मेरे को छोटी बहुत कंपनी थी मेरे सीनियर भी चली गई मेरे को प्रमोट कर दिया सीनियर एचआर बना दिया मतलब डेजिग्नेशन चेंज सैलरी सेम रिश्ता वही सोच नहीं और पगार भी कम था यार बहुत सैलरी कम थी इतनी कम थी मैं उसको तनख्वाह बोलता था और हम लोग ले लेते ना एक्सप्रेसर्स एक्सप्रेसर हम लोग कुछ भी सैलरी लेते बिकॉज कंपटीशन बहुत है मार्केट में दूसरे एक्सप्रेसर्स आ रहे हैं रोज बाल खड़े करके तो हम ले लेते मेरी अप्रेजल के टाइम कुछ ना कुछ हो जाएगा इंसान खुद की नजर में सही होना चाहिए लोग तो भगवान से ही नाराज है तुम मेरे से नाराज हो गए यार तो सच में साड़ी का एक्सपेक्टेशन जो तो ठीक है नाच भी सही ले रहे तो क्या बोल रहे हम लोग सेल्फ रिव्यू प्रोसेस बट ये पीयूष मिश्रा का शेयर पड़ा था इसलिए मैंने खुद को पास में से पा देना था बट देयर वाज अ प्रॉब्लम विद दिस अप्रोच कि मेरे कंपनी ने पीयूष मिश्रा नहीं पढ़ा था उन्होंने पढ़ी थी भगवदगीता तो उनका फिलोसफी सिंपल था काम करते रहो फल की अपेक्षा मत करो है ना वो ना शुरू शुरू में तो फिर भी हम करते थे भाई कॉर्पोरेट में काम है ना शुरू शुरू में फिर भी इंटरेस्ट है ना एमएनसी में स्पेशली जितने लोग काम करते पहले 6 महीने तो हम इसी बात में घुस गए हमें कांच की बिल्डिंग में काम करने मिल रहा है ना हम ऐसे कॉलेजेस में आ रहे एसएससी बोर्ड स्कूल से हम जाते पहले दिन एमएनसी में हम देखते हैं ऐसा मतलब बढ़िया सा छोटा सा बिल्डिंग है कांच का उसके नीचे 15 सिक्योरिटी गार्ड है हम लोग भाई 15 सिक्योरिटी गार्ड मतलब अंदर कुछ है प्रोटेक्ट करने लायक है ना तो हम जाते थे बट कुछ दिनों में क्या था ना एमएनसी में आप काम करते हो अ सेंस ऑफ बोर्डर सेक्सिज है ना सर आप अग्री करते हो व्हेन यू आर फ्रेश आउट ऑफ कॉलेज यू हैव अ डिफरेंट पर्सनैलिटी है ना कॉलेज में बहुत सेंस ऑफ इंडिविजुअलिटी है ना सबका अलग अलग है कोई नाइकी का जूता पहन रहा है किसी के गोल्डन बाल है कोई डुकाटी पे आ रहा है कोई पल्सर पे आ रहा है सबका एक इंडिविजुअल पर्सनालिटी है बट कॉर्पोरेट किल्स दैट राइट कॉर्पोरेट किल्स दैट आप जाते हो ऑफिस में आप देखते हो सबका सब एक जैसा है सबका डेल का बैग यूएस पोलो का शर्ट और जॉकी का बनियान है ना मैं ऑफिस पहुंचा था मुझे ऐसे फील आती थी कि ऑफिस लोनावला है और हम सब मगनलाल चिक्की की दुकान तो
बहुत बोर्डम आता था, बहुत बोर्डम आता था, तो मैं नहीं करने लगा जो मिलेनियल्स करते हैं ना, मिलेनियल्स हम लोग कुछ भी लाइफ का प्रॉब्लम है ना हम टेकटॉक में ढूंढने लगते हैं इसका सोल्यूशन. तो मैं तो देसी था, मैं देसी वर्जन ऑफ टेकटॉक सुनता था, मतलब संदीप माहेश्वरी है ना, और संदीप माहेश्वरी के सारे वीडियोस के एक ही समरी है कि लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि यू नीड टू फॉलो पैशन, है ना, पैशन फॉलो करना चाहिए. एंड दैट वाज समथिंग न्यू फॉर मी बिकॉज आई वाज फ्रेश आउट ऑफ कॉलेज. उस टाइम तक मैंने सिर्फ स्कूटी पे फॉलो किया था. सो आई डिसाइडेड चलो पैशन फॉलो करते हैं. माय पैशन वाज आई यूज्ड टू लाइक राइटिंग कॉन्टेंट, राइटिंग ह्यूमर राइटिंग. ओके, तो मैं करने लगते हैं यहाँ पे. आई एम प्रीटी श्योर देयर आर सो राइटर्स भी आ चुके हैं यहाँ पे टर्बो चार्ज की विंग के राइटर्स. कितने लोग हैं आपको तो अच्छा नहीं लगने वाला है जो अगला अगला वाला. ठीक है, आई थिंक सनी इज ऑल्सो इन टू कॉन्टेक्ट, तो इज द वन हू कॉल्ड मी. सनी आई एम प्रीटी श्योर नॉट गोइंग टू लाइक द नेक्स्ट वन. तो मैं राइटर का रिसर्च करने लग गया. ओके, राइटिंग के जॉब में कैसे जाना है, तो वो आर्टिकल्स होते हैं ऑनलाइन, मैं वो पढ़ने लग गया. फाइव पीस यू कैन अनलीश द राइट्स ऑफ रिटन यू, ऑब्जेक्ट रीजंस व्हाई राइट्स इज योर गोइंग जॉब. ये करना है मैंने सर, मेरा रिसर्च चल रहा है. एंड आई मेट अ राइटर फ्रेंड ऑफ माइन हु यूज्ड टू राइट फॉर अनदर मैगजीन एंड ही टोल्ड मी अबाउट हिज सैलरी. ओके, एंड दैट चेंज्ड माय रीडिंग हैबिट्स. या आफ्टर दैट आई स्टार्टेड रीडिंग स्टफ लाइक फाइव पेज यू कैन लव योर एग्जिस्टिंग जॉब. सो व्हाट वन ऑफ माय फ्रेंड्स सजेस्टेड टू मी, यार बड़ी कंपनी में काम कर रहा है, इसको बोर हो रहा है. ओके, तू बड़ी कंपनी में काम कर रहा है, तू नॉर्मल कंपनी में चला था, स्टार्टअप में चला, तेरे को बहुत मजा आएगा. स्टार्टअप का कल्चर इंडिया में, स्टार्टअप का कल्चर इंडिया में, स्टार्टअप में गया. कितने लोग हैं यहाँ पे जो स्टार्टअप में काम कर चुके हैं इसके पहले? गिव मी अ शेयर ऑफ पीपल हु वर्क इन स्टार्टअप्स. ओके, इसके बाद मत जाना, ठीक है, क्योंकि ये जो इंडिया के स्टार्टअप्स है ये पैसे पे भी चलते हैं, ये चलते हैं श्रद्धा पे. एक दिन इस कंपनी का आईपीओ होगा और मैं बोलूंगा मार्क ज़करबर्ग, और वो तो पगार भी टाइम पे नहीं दे रहे. उन्होंने वेरिएबल पे का खुद का मतलब निकाल लिया है. उनको लगता है वेरिएबल पे मतलब इस महीने सैलरी देनी है, अगले महीने नहीं देनी है. तो ये क्या करते हैं ना, हमारे मैनेजर ने एक बार मेरे को मीटिंग में बुलाया, मुझे कहता साहिल दिस इज वी आर नॉट गिविंग यू हाई, दिस इज वी आर गिविंग यू स्टॉक ऑप्शंस. नो नाउ यू आर 5% ओवर ऑफ द कंपनी. एंड आई एम लाइक सर 5% ऑफ जीरो इज स्टिल जीरो. मैंने खुद देखा आपको ताला खरीदते हुए. But still, yeah, working in corporate was very aspirational for me. But मैं SSC board school से आता हूँ. और वहाँ पे बताना आपको कैसी पढ़ाई है, कैसा infrastructure है. मतलब 10 साल हमको English के दो ही sentence सिखा रहे हैं. एक होता I am I coming madam. और दूसरा होता please my go to toilet. यार हमारे मोरे सर नाम के बंदा था तो मेरे को इंग्लिश पढ़ाता था. और ये बंदा जब भी इंग्लिश में बात करता था ना, माइक्रोसॉफ्ट उसके रूम के नीचे रेड लाइन बना देता था. बहुत डेंजर इंग्लिश पेरेंट्स का. एक बार क्लास में क्या होता है, यू शुड ऑलवेज नो योर पेरेंट्स स्पेशली योर मदर एंड फादर. एक बार सीसी ले गया हमको, वहां पे मेट्रो बोलता भैया दो लट्टे देना, लाटे में उसने लट्टे बोल दिया. एंड आई एम जस्ट थैंकफुल टू गॉड कि कॉफी में कोई टाटे नाम की चीज नहीं होती. कुछ लोगों को समझ आया, ठीक है, जिन लोगों को नहीं समझ में आया डोंट फील बैड. क्योंकि इसका मतलब ये है कि आपकी परवरिश अच्छी. एंड दैट्स इट फॉर माय साइड. थैंक यू सो मच, यू गाइस हैव बीन अ लवली ऑडियंस. बार बार. एंड आई हैव अ स्मॉल अनाउंसमेंट टू मेक, यू लाइक द कंटेंट.